गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गेमिंग फ्लिप। और गाइज आज की इस वाली वीडियो में यार हम लोग खेलने जा रहे हैं मोटेल मैनेजर सिमुलेटर। अब गाइज आप लोगों को याद होगा कि यार लास्ट वाली वीडियो में यार हम लोगों ने हमारे दादा ने जो है हमारे लिए एक जमीन छोड़ी थी जो कि हमें मिल गई थी और हम लोगों ने उस पर यार अपना ये मोटेल का जो दादा का रुका हुआ धंधा था हम लोगों ने ये शुरू किया था। और भाई हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो में इस बिजनेस पे काफी तरक्कियां करी और आज भी यार हम लोग अपने इस बिजनेस में और तरक्कियां करने वाले। मेरे मोटेल की रेटिंग भी हाफ स्टार से ऊपर हो चुकी है और हमारा कमरा भी रेंट पर है। आज की इस वीडियो में यार हम लोगों के लिए एक कमरा काफी नहीं है, हम लोग अपना सेकंड रूम भी डेकोरेट करेंगे। और यार आज की इस वाली वीडियो में हमारे पास इस गेम में कमाई करने का एक और रास्ता भी है और वो है कि यार हम लोग यहाँ पे अपनी एक जो शॉप है हम लोग इसको आके इसको चलाना शुरू करें। यहाँ पे लाके यार हम लोगों को फ्रिज और बाकी शेल्फ वगैरह रख के सामान वामान खरीद के यहाँ से हम लोग अपना एक और छोटा मोटा शॉप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो हाँ भाई आज की इस वीडियो में यार हम लोग पहले अपनी शॉप को रेडी करते हैं, इसके बाद यार हम लोग अपना रूम नंबर 2 रेडी करेंगे। तो फिलहाल तो यार यहाँ पे जितना छोटा मोटा कचरा यार मुझे ये सारा अपने इस बैग में डालना है। अब आज की वीडियो में मैं ये शॉप खोल के चेक करूंगा कि इसमें मुझे मुनाफा कितना हो रहा है, फायदा है या फिर ये सिर्फ टाइम वेस्ट बिजनेस है। अब तक मतलब यार इस गेम में जो सबसे अच्छा बिजनेस है वो तो वही है कि मोटेल के आप कमरे बना के आप कमरे किराए पर दो और भाई लोग आके आपको एक ही बारी में माला माल करके चले जाएंगे। मेरे पास फ्यूल की जो सप्लाईज हैं वो भी काफ़ी कम है तो आई थिंक भाई ये देखो सिर्फ 80 लीटर पड़ा हुआ है तो आई थिंक यार मुझे एक और एक फ्यूल की सप्लाईज मंगवा लेनी चाहिए। बाय बाय अंकल जी, भाग जाओ, शॉप को हम लोग बाद में देखते हैं, पहले मुझे यार जाके अपने थोड़ा बहुत पेट्रोल की सप्लाईज वगैरह मंगवानी है, डिलीवरी फ्यूल्स। और यहाँ पे जाके यार ये फुल मैक्स हम लोग को फुल खतरनाक वाला 300 से ऊपर लीटर हम लोगों को पेट्रोल चाहिए तो हम ये बंदा लेके आ जाएगा। हम लोग यार जाके अपनी शॉप पे काम शुरू करते हैं, पता नहीं डिलीवरी कब तक होने वाली है। एक तो यार मैं कई एम्प्लॉय रखूँ ना रखूँ मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय लाजमी रखना पड़ेगा अपने ये गैस वाले स्टेशन पे, बिकॉज यार यहाँ पे एक के बाद एक बंदा आ रहा है और यार सामने हमारी वाली खतरनाक वाली गाड़ी भी आ चुकी है अपना ट्रक अपने पेट्रोल की सप्लाईज लेके। तो हाँ भाई हमारे खतरनाक वाले अंकल जी पेट्रोल को यहाँ पे डाल देंगे, हमारी सप्लाईज पूरी हो जाएंगी। मुझे बस यहाँ से आके अपना जेरी कैन भरना है बिकॉज यार मैं ये अपने जनरेटर में डाल देता हूँ जस्ट इन केस कभी भी यार इस गेम में इतनी बारिश 24 घंटे होती रहती है कभी भी यहाँ पर लाइट चली जाती है। एक तो यार ये बंदों ने मुझे बड़ा परेशान करा, इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए यार अपना ये वाला बिजनेस जो है गैस स्टेशन वाला ही मैं बंद कर दूँ बिकॉज लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं आके यार बार बार आके। ओके नोजल लगाओ और अभी अंकल जी को अंकल जी आपकी खतरनाक वाली गाड़ी है, 11 लीटर कम रहेगा पेट्रोल बता रहा हूँ, रास्ते में ख़त्म हो जाएगा पहुँच नहीं पाओगे। 11.77 ओके हाँ भाई वापसी करो। ये थोड़े बहुत और डब्बे वगैरह हैं पहले ये फेंक के आते हैं ये ए ए और उसके बाद अब रुको भाई एक और गाड़ी आ गई। मैं पहले जाके अपना गैस स्टेशन बंद करके आ रहा हूँ भाई, ये इस बिजनेस ने बड़ा परेशान करा है मुझे, एक के बाद एक बंदा आता ही रहता है और अगर इनके पेट्रोल ना डालो तो भाई ये लोग रेटिंग डाउन कर देंगे तो ये बड़े मसले की बात है। वो देखो 2 गाड़ियाँ आ गई भाई, नाइस यार। चलो भाई अंकल जी को 7 लीटर पेट्रोल डलवाना है फुल स्पीड में। ओके भाग जाओ फटाफट से 15 लीटर्स। चलो भाई डलता रहेगा, हम जाके इतने अपने शॉप की सफाई करके आते हैं भाई, शॉप बिल्कुल पास में ही है अपनी, अच्छा शॉप भी साफ़ हो जाएगी। बहुत यार मट्टी वगैरह थी यहाँ पे बट हाँ अब पूरी शॉप मैंने साफ कर दी है और 15 लीटर्स और जाओ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिया भाई, हर कस्टमर को मैं थोड़ा सा पेट्रोल एक्स्ट्रा दे रहा हूँ पता नहीं क्यों। हाँ तो भाई अभी अपनी शॉप यहाँ पे साफ हो चुकी है और अब यार मेरे पास एनर्जी भी नहीं है, पहले हम चल के सोएंगे सुबह उठेंगे, सुबह उठने के बाद यार फिर हम लोग यहाँ पे अपने इस शॉप का काम शुरू करेंगे। चलो भाई गुड नाइट। ओके भाई सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रहे हैं 9 बज रहे हैं मतलब 10 बजने वाले और ये बारिश कब खत्म होगी इस गेम में यार, परेशान कर दिया इस बारिश ने। हमारे दादा ने यार हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ पे यार शॉप के जो ये फ्रिज और जो शेल्फ वगैरह हैं वो सब कुछ रखा हुआ है तो हाँ भाई अभी मैं खर्चा क्यों करूँ, मैं अभी वही सामान यूज़ करने वाला हूँ। शॉप का पता भी नहीं है कि अभी कितना मुनाफा होगा नहीं होगा तो मैं अभी उस बिज़नेस पे इतना खर्चा करने का मेरा फ़िलहाल प्लान नहीं। अरे बाहर आया जा रहा है सब कुछ, ये ले वेयर हाउस में यार भाई ये सामान यार लास्ट वीडियो कब तक यहाँ पर रखा रह गया। तो हाँ भाई ये जो सामान है यार सारा ये फ्रिज और ये शेल्फ और ये कैश काउंटर भाई ये हमारे काम आने वाला है शॉप की बिजनेस में, तो मैं ये उठाता हूँ और अब ये सारे सामान को मुझे लेके चलना है अपने शॉप पे। भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रखेंगे अपना कैश काउंटर, इसको मुझे घुमा के मैं रखूँगा ऐसे यहाँ पे, सही है। इसके बाद आएगा अपना शेल्फ, तो शेल्फ को हम रख देते हैं यहाँ पे और फ्रिज को हम लोग रख देते हैं शेल्फ के बराबर में। ओके तो भाई अभी हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो चुका है और अभी यार ये फ्रिज बंद है तो मुझे इसको ऑन करने के लिए ला के एक सॉकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये सॉकेट यहाँ पे, फ्रिज का तार और इसको लगा दो ए यहाँ पे,
तो हाँ भैया, अभी देखो हमारे फ्रिज में लाइटें आ चुकी हैं और अभी अपनी शॉप पूरी रेडी है चलने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, अभी हम जाते हैं यार अपने ये प्रोडक्ट्स पे, और मुझे यार शॉप के लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह मंगवाना है जो कि मैं बेच सकूँ। शॉप तो खोली बेचूंगा क्या? तो यार यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे पास हैं, चिप्स के ऑप्शन हैं और बाकी कुकीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कॉफ़ीज़ हैं, बहुत कुछ है। तो हाँ भाई, देखते हैं कि यार मुझे क्या क्या मंगवाना है। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिकती है। वो भाई साहब, इस गेम में ये भी सीन है कि देखो अभी रेड साइन है, इसका मतलब अभी इस वाले ये चिप्स की प्राइस बढ़ी हुई है, और इस पे ग्रीन है, इसका मतलब इसकी प्राइस कम हुई है, तो मैं ये खरीद सकता हूँ। सही है भाई, एक ये येलो वाला, इसकी प्राइस सेम चल रही है, इसको भी खरीद लेते हैं। रेड वाला भी खरीद लेते हैं, इसकी प्राइस भी सेम चल रही है। और उसके बाद अब ये पता नहीं ये क्या है, ये भी खरीद लेते हैं, एक ये भी खरीद लेते हैं, और थोड़ा चॉकलेट्स पे आते हैं। भाई मुझे चॉकलेट्स खरीदनी है, तो चॉकलेट्स में इसकी प्राइस बढ़ी हुई है, इसकी प्राइस कम है, ये खरीदते हैं। और एक ये केक की प्राइस कम है, ये खरीद लेते हैं। तो हाँ अभी यार मैं थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखूँगा, बिकॉज मुझे देखना है कि कौन सा सामान कैसा बिकता है और लोग किसकी ज़्यादा डिमांड है, फिर हम लोग वही चीज़ ज़्यादा मंगवाने वाले हैं। तो एक ये बफ ऑरेंज मंगवा लेते हैं, एक ये कोल्ड कॉफ़ी मंगवा लेते हैं। तो हाँ भैया, अभी हमारा अच्छा खासा सामान जो है वो मैंने मंगवा लिया है, इसको हम लोग मंगवाते हैं फुल फास्ट डिलीवरी पर, भी टाइम नहीं है मेरे पास। तो हाँ भाई, जब तक हमारे शॉप का सामान आ रहा है, तब तक यार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपने रूम 2 को हम लोग सफाई करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज यार आज की वीडियो में मुझे यार ये वाला रूम भी रेडी करना है। ये उठाओ और अभी इन सबको मुझे फेंक के आना है। और हमारे डिलीवरी वाले अंकल भी आ चुके हैं। हेलो डिलीवरी वाले अंकल, यार ये बड़ा मनहूस आदमी है, इसको डिलीवरी के पैसे मैं दे रहा हूँ, मगर सामान अनलोड मुझे करना पड़ता है। तब तक यार वो गाड़ी पार्क पे लगाएगा, मैं यहाँ पे थोड़े बहुत झाड़ू वाड़ू इस कमरे की मार देता हूँ, कमरे को साफ करते हैं पूरा। और भाई इस कमरे को, बिकॉज अभी हम लोगों ने कमाना शुरू कर दिया है, अभी हमारे पास अच्छा खासा बजट आ चुका है, तो भाई इस कमरे को मैं थोड़ा बहुत अच्छे से डेकोरेट करने वाला हूँ, ताकि वो जितनी हम लोग कमरे में और फैसिलिटीज़ देंगे, उतने हम लोगों को और मोटे वाला पैसा मिलने वाला है। बट उससे पहले मुझे यार ये सारा सामान यहाँ से हटाना है, क्योंकि मुझे इस ट्रॉली की बहुत ज़रूरत पड़ती है यार। ये खोलो, अरे बैठे, बहुत सारा सामान आया है इस बार तो। भाई इतना सारा सामान जो मैंने मंगवा लिया है, मुझे पता भी नहीं कि यार इतना सामान बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा शॉप पे, कैसा बिजनेस होगा, बट भाई चलो मंगवा लिया तो अब मंगवा लिया। ये उठाओ और फिनिश डिलीवरी अंकल जी, भाग जाओ आप फटाफट से। और अब यार मुझे इस सामान को यहाँ पे आके रखना है, अभी इसको रखो यहाँ पे, इसको इसके ऊपर, मैं क्या पार्कोरिंग करता हुआ सामान रख रहा हूँ भाई। तो वहाँ पे सामान सारा रख दिया हम लोगों ने, अब मुझे यार अपनी इसको ड्राइव करना है और इसको लेके चलते हैं अपनी शॉप पे। अब यार ये सामान मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो ओह डायरेक्टली मैं ऐसे सामान रख सकता हूँ, सही है भाई। मुझे लगा बहुत लंबी होगी इसमें भी कि मुझे एक एक चीज़ उठा के रखनी पड़ेगी, बट नहीं भाई ऐसा नहीं है। इस वाले चिप्स को हम लोग रखेंगे बिल्कुल इसके बराबर में। भाई साहब बहुत सारा सामान मंगवा लिया, और वाह भाई मुझे लगा था कि अपने पास शेल्फ कम पड़ जाएगा, मगर नहीं भाई, एक शेल्फ के ऊपर और भी हम लोग सामान रख सकते हैं। ये पता नहीं मैंने क्या खतरनाक वाली सामान मंगवाया, बहुत मतलब दिखने में थोड़ा एक्सपेंसिव सा लग रहा था। और यार यहाँ पे पूरे डब्बों के डब्बे जमा होते जा रहे हैं। ओके भाई, ये कोई जूस है, तो मुझे इसको आई थिंक यहाँ पे रखना पड़ेगा। हाँ भाई ये देखो, ये खतरनाक वाला हमारा जूस है, तो इसको मैं रखूँगा अपने फ्रिज के अंदर। इस चिप्स को मुझे रखना है यहाँ नीचे वाली साइड पे। मुझे लग रहा है कि यार मैंने सामान बहुत ज़्यादा मंगवा लिया और मेरे पास जगह कम पड़ने वाली है। ऑरेंज वाले कैंस आ चुके हैं, तो इनको हम लोग रखेंगे यहाँ पर। ये अपनी बड़ी मस्त वाली चॉकलेट है यार, तो इसको मैं कहाँ पे रखूँ यार, हर जगह यार सामान भरा हुआ है। ये देखो भाई कैसे मैं कोने खांचों में सामान रख रहा हूँ, फिर भी यार हमारे पास आई थिंक शेल्फ कम पड़ जाएगा। हाँ भाई ये खतरनाक वाले अपने कोई चिप्स लग रहे हैं मुझे, मैंने ये भी मंगवाए थे, तो इसको भी मैंने रख दिया अपने शेल्फ पे। और यहाँ पे एक और टाइप का अपना जूस आ चुका है, तो इसको मैं रखूंगा यहाँ पे। कोल्ड कॉफ़ी, तो कोल्ड कॉफ़ी को हम लोग रखेंगे अपने फ्रिज के अंदर। और अब इसको मैं कहाँ पे रखूँ, इसको रखने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं बची भाई। नाइस, इसको फ़िलहाल हम लोग यहाँ तमीज़ से रखते हैं, इसको मैं दोबारा इसके अंदर प्लेस नहीं कर सकता। फिलहाल मैं इन बॉटल्स को यहाँ पे रख देता हूँ भाई, मेरे फ्रिज में जगह नहीं है इन बॉटल्स को रखने के लिए, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। ओ भाई इन डब्बों को बेच के भी हम लोग पैसा कमा सकते हैं। नाइस भाई, अच्छी खासी अपनी कमाई यहाँ से भी होती रहेगी। तो हाँ भाई चलो, अभी अपनी शॉप का काम पूरा हो चुका है, अब बस मुझे जाना है यार अपने ऑफिस पे, और वहाँ जाके मुझे अपनी शॉप को ओपन कर देना है। शॉप को हम लोग कर देते हैं स्टार्ट, तो यहाँ से इसको खोल दो। और अब मुझे अपना गैस स्टेशन भी खोल देना है, बिकॉज मुझे भी चाहिए बहुत मोटे वाला पैसा, बिकॉज भाई अब हम लोग डेकोरेट करना शुरू करेंगे अपना सेकेंड रूम। सबसे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ कि यार मैं यार रूम 2 को बाहर से पेंट कर देता हूँ, ताकि भाई बाद में ये काम ना रहे, क्योंकि भाई जो रूम हमारा रेडी होता रहेगा मैं उसको बाहर से ऐसा बिल्कुल येलो पेंट करता रहूँगा। कोई ना कोई गाड़ी आई है और वो गाड़ी आके यहाँ पे रुकी है, आई थिंक ये वाले अंकल जी शॉप पे को सामान लेने के लिए आए। और एक गाड़ी अपना फ्यूल भरवाने के लिए भी आ चुकी है। रूम 2 को बाहर से पेंट कर दिया। अबे आ रहा हूँ, हॉर्न नहीं बजा, ओए
जाना है, पहले मुझे जाके पेट्रोल डालना है और एक और गाड़ी आ चुकी है पेट्रोल डलवाने के लिए। भाई नाइस, ये इसको खोलो और इसको यहाँ डालो, पिन कोड डालना है 7 लीटर पेट्रोल, तो फटाफट डालो यार, छोटा सा पेट्रोल है, मतलब थोड़ा सा है, फटाफट डालते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया भाई, बहुत ज़्यादा डाल दिया, दफ़ा हो जाओ आंटी जी। 7.2 लीटर बस, चलो हो गया। और अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं, और अब ये शॉप पे भी हमारे लिए कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? यहाँ पे आंटी जी ने खतरनाक वाला जूस लिए और ये चॉकलेट लिए, इसका बिल बना दिया है मैंने। यस, मेक श्योर टू सर्व कस्टमर ऑन टाइम, पेशेंस इफेक्ट शॉप रेटिंग। अब भाई साहब, मुझे कस्टमर्स को वेट नहीं कराना है, फटाफट उनको सारा का सारा सामान देना है, वरना वो लोग शॉप की रेटिंग डाउन कर देंगे और कुछ नहीं होगा। हेलो आंटी जी, आप यहाँ पे आई हैं? आई थिंक इनको मैंने अपना रूम रेंट पे दिया था या क्या करा था, जरा बताओ आंटी जी। हाँ भाई, आई वॉज इन रूम 1 for 72 hours। चेकआउट करते हैं, जाओ आंटी जी, भाग जाओ। और अब मुझे यार अपनी की को यहाँ पर लटका देना है। अबे फ्यूल डलवाने एक और गाड़ी आ चुकी है, मैं पागल हो जाऊंगा इन सब चीजों के चक्कर में। 13 लीटर पेट्रोल, चलो भाई अभी हम लोग यार अंकल जी का पेट्रोल डलता रहेगा। आंटी जी एक मिनट रुको, मुझे रूम चेक करने दो, क्या पता आप सामान लेकर जा रही हो। हम लोग रूम में चलते हैं और यहाँ पे आंटी जी ने थोड़ा बहुत गंदगी करी है भाई, ऐसी बात है, बंदा रह रहा है तो थोड़ा बहुत तो कचरा वचरा होगा। चलो कोई मसले की बात नहीं, अभी हमारा टास्क क्या है, टेक द डर्टी बेड शीट्स ब्लैंकेट एंड टॉवल फ्रॉम रूम 1, पुट देम इनसाइड द वॉशिंग मशीन एंड टर्न इट ऑन, व्हेन दे आर ऑल क्लीन पुट देम बैक इन रूम 1। नाइस भाई नाइस, इस गेम में ये चक्कर भी है। ये जो बेड शीट है इसको मुझे उतारना है, यहाँ पे रखते हैं, और अंदर का टॉवल भी मुझे चेंज करना है, वो भी गंदा हो चुका है, तो इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ओके, कस्टमर एट फ्यूल, अरे भैया फ्यूल डलवाना है। ओए हाँ, मैं फ्यूल डालने के लिए छोड़ के आया था। ओह बहुत चला गया, बहुत एक्स्ट्रा चला गया। रोको रोको, 13 लीटर डलवाना था, 17 लीटर डाल दिया भाई, मैं अपना नुकसान पर नुकसान करवाया जा रहा हूँ यार। भाई मुझे थोड़ा बहुत संभाल के काम करना पड़ेगा, वरना ऐसे मुझे बहुत लॉस होता रहेगा। हेलो अंकल जी, आपने एक ये चिप लिया है, जाओ भाग जाओ लेके, वॉशिंग मशीन में डालो ये सारा सामान। और अब मुझे इसको ऑन करना है, तो नो इलेक्ट्रिसिटी, इसको भी मुझे लाके सॉकेट से आई थिंक कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई कस्टमर्स काफ़ी सारे आ चुके हैं, पहले ये हटाओ भाई, ऑफिस में कस्टमर आए, आई थिंक ये रूम 1 के रेंट के लिए आए हैं, तो मुझे यार पहले यहाँ पे लाके अपने ऑफिस से एक सॉकेट लेना है, और उसके बाद यार सॉकेट को मुझे लगाना है अपने उड़ाता हुआ चला जाए, मुझे एक काम कर, इसको मुझे लगाना है अपनी वॉशिंग मशीन के पास, इसको यहाँ पे प्लग करना पड़ेगा और इसको सफाई के लिए ऑन करते हैं। ऑफिस पे कस्टमर आए हुए हैं, फ्यूल पे कस्टमर, ओ भाई साहब साइबर ट्रक लेके आया बंदा। हाँ हेलो अंकल जी, बताओ कितना साइबर ट्रक, इलेक्ट्रिक नहीं था यार ये, पता नहीं फ्यूल डलवा रहा है। तो हाँ भाई, शॉप पर भी कस्टमर आए हुए हैं, ऑफिस में भी कस्टमर आए हुए हैं, भाई फुल कस्टमर्स की यार आना जाना लगा हुआ है। और अभी एक और आंटी जी आ चुकी हैं यहाँ पे। हेलो आंटी जी, हाँ भाई बताइए आपका क्या, आपका एक कोल्ड कॉफ़ी और आपके चिप्स है। ओके, और एक और अंकल जी आ चुके हैं, हाँ भाई बताओ आपका क्या सामान है। इन्होंने एक ये लिया है और ये और एक ये। भाई साहब शॉप से अच्छा खासा कमाई हो रही है, मतलब हाँ भाई अच्छी खासी कमाई शॉप से हो रही है। जी अंकल जी मुझे बताइए, इनको एक रूम चाहिए 2 beds for 48 hours। हाँ भाई वेट अ मिनट, हाँ यार मुझे अंकल जी को वेट कराना पड़ेगा। इनका फ्यूल पूरा हो चुका है, अब भाई इसको निकालते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ भाई, अभी यार हमारी जो वॉशिंग मशीन में सामान धुल रहा था भाई, वो धुल चुका होगा, मुझे जाके वो सामान लेके आना है। अभी अभी तो 1 minute and 23 seconds दिखा रहा है, इतनी देर में अंकल जी निकल लेंगे भाई, उनका पेशेंस खत्म हो जाएगा। काम करो अंकल जी, आप ना निकलो, जाओ नो रूम अवेलेबल, भाग जाओ, वरना भाई वो फालतू में शॉप की रेटिंग डाउन करता और कुछ नहीं करता। तो हाँ भाई, अभी यार यहाँ पे हम लोग अपने रूम 2 के लिए सामान खरीदते हैं, बिकॉज मुझे भी अपना रूम 2 डेकोरेट करना है। सबसे पहले हम लोग खरीदेंगे एक बेड, बेड भाई डबल बेड मैं रखने वाला हूँ, तो पिछली बार हम लोगों ने ये वाला रखा था, इस बार हम लोग ये वाला बेड रखते हैं। बेड शीट, 2 बेड शीट इस बार हम लोग रखते हैं थोड़ी ब्राउन कलर की, तो 2 बेड शीट मंगवाता हूँ। ब्लैंकेट भी मुझे 2 मंगवाना है, क्योंकि ये मुझे एक बार समझ में आ चुकी है, इस गेम में सब चीज़ें हम लोगों को 2 मंगवानी होती हैं। पिल्लो मुझे 2 मंगवाने हैं, तो पिल्लो कौन से मंगवाऊँ भाई, पिल्लो हम लोग मंगवाएंगे ये वाले सिंपल वाले। उसके बाद डोर, दरवाज़ा हम लोगों को मंगवाना है, बाहर का भाई सेम होगा, अंदर का भी सेम होगा। सीलिंग लैम्प, यार सीलिंग लैम्प मैंने ये वाला लगाया था, मगर यार मुझे ये वाला थोड़ा बहुत ख़तरनाक लग रहा है, ये या फिर ये भाई ये, तो हम लोग एक ये मंगवाते हैं और रहने दो, एक और यही मंगवा लो। बाथटब भाई ये पहला वाला बहुत मस्त है, सिंक भी ये पहला वाला बहुत मस्त है। टॉवल तो मेरे पास है, टॉयलेट तो भाई मुझे मंगवाना है सेकंड वाला, टॉयलेट पेपर भी मेरे पास है, एक मिनट है ना मेरे पास। फाइनली इस गेम में बारिश रुकी और अब यार यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर्स आ चुके हैं फ्यूल डलवाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, इनका फ्यूल डल रहा है। तब तक यार मैं यहाँ पे आके अपने शॉप वाली आंटी जी को देखता हूँ। जी भाई आंटी जी, आपका बिल पैक हो चुका है, भाग जाओ यहाँ से। और अब मुझे देखना है कि मेरे पास टॉयलेट पेपर और जो टॉवल है वो पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो टॉयलेट पेपर और टॉवल, तो मेरे पास टॉवल है,
टॉयलेट पेपर, हाँ टॉयलेट पेपर भी है भाई, डब्बे पड़े हैं पूरे के पूरे, तो मसले की बात नहीं है। आपे एक्स्ट्रा पेट्रोल चला गया यार, जाओ यार आंटी जी अब ले जाओ, क्या करूँ। बस भाई इनको भी एक्स्ट्रा पेट्रोल दे दिया भाई, मैं अपना नुकसान ऐसे ही करवाया जा रहा हूँ। अबे कितने बंदे आ रहे हैं भाई, ये देखो एक के बाद एक गाड़ी आई जा रही है। पुलिस आ गई भाई। हाँ गाइस इस गेम में पुलिस जरा हम लोगों को जरा आके चक्कर वक्कर मारती रहती है यहाँ पे। तो हाँ भाई अब यार यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं लाइन से शॉप के लिए। तो रूम टू के लिए मैं हीटर खरीदूँगा, ये वाला ख़तरनाक वाला। कर्टेंस खरीदने हैं, ये वाले ख़तरनाक वाले। सीट भाई एक कमरे में होनी चाहिए, तो सीट हम लोग रखेंगे भाई। ये मस्त लग रही है, ये रख लेता हूँ। हाँ भाई बहुत थोड़ी महंगी है बट चलो कोई बात नहीं। डोर लैम्प नहीं लगाना मैंने। टेबल कोई छोटी सी टेबल दिखा दो यार, छोटी सी। हाँ ये मस्त लग रही है। क्लॉजेट हम लोगों को चाहिए, तो भाई क्लॉजेट मैं लगाऊंगा यही वाला, सही है यार। बेड के आसपास ड्रॉर तो होनी चाहिए, तो ये रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक में यहाँ पर यार एसी और फैंस वगैरह भी हैं। एक काम करते हैं भाई, एक हम लोग ये बेसिक वाला फ़ैन मंगवा लेते हैं। कारपेट मंगवाऊँ क्या, बस एक ये वाला कारपेट मंगवा लेता हूँ, छोटा सा ही रख। उसके बाद होल्डर में क्या है बात, हीटर, टॉयलेट पेपर होल्डर। तो हाँ भाई टॉयलेट पेपर होल्डर मुझे एक मंगवाना है, और मुझे एक टॉवल रैक मंगवाना है। बुकें पढ़ने का शौक़ नहीं है भाई, बुक नहीं मंगवाते। बाकी यार ये सारी एक्सेसरीज़ वगैरह, इसका मुझे बोनस वगैरह मिलता रहेगा, तो हाँ भाई मैं सोच रहा हूँ कि मंगवा लूँ। एक ये मंगवा लेते हैं, एक टूथपेस्ट मंगवा लेते हैं, उसके बाद एक ये एयर फ्रेशनर मंगवा लेते हैं। बाकी एक्सेसरीज़ में एक क्लॉक मंगवा लेते हैं, डेकोरेशन में एक ये स्कल मंगवा लेते हैं, और प्लांट्स तो मैं कमरे में लाजमी रखता हूँ, तो एक ये लगाने हैं। फ्रेम में यार थोड़ी बहुत पेंटिंग वगैरह ज़रा कमरे को अच्छी सी लुक दे देंगी, तो एक ये वाली पेंटिंग मंगवाते हैं, और एक काफ़ी मस्त लग रही है भाई, एक ये मंगवा लेते हैं। बेंच की ज़रूरत नहीं है, स्टैचू की ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग, हाँ भाई अभी हम लोगों को यार ये वॉल्स की टाइल्स वगैरह और ये सब कुछ मंगवा रहे हैं, तो फ्लोर पे हम लोग लगाएंगे ये वाली टाइल्स, तो मैं ये दो मंगवाता हूँ भाई। पूरे कमरे की थोड़ी बहुत मैंने थीम जो है ब्राउन सी रखी है, तो हम लोगों को दो ये वाला पेंट मंगवाने हैं। बाथरूम के लिए भाई, बाथरूम के लिए मुझे चाहिए सिंपल वाइट पेंट, और बाथरूम के फ्लोर के लिए मुझे यार मैं सोच रहा हूँ कि एक ये मंगवा लेते हैं। ओ भाई साहब अंकल जी आ चुके हैं, और हाँ भाई अंकल जी आप एक मिनट रुको, हाँ मेरे पास कमरा अवेलेबल है भाई। अंकल जी को यार रूम नंबर 1 मैं रेंट पर दे सकता हूँ, थोड़ा बहुत पैसे अंकल जी दे देंगे। और भाई पूरा रूम रेडी है, मैं यहाँ पे अपने मैंने बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए डाली थी, मैं वो निकालना भूल गया, तो हाँ भाई। और अब मुझे यार ये सारा सामान उठा के जाके कमरे में रखना है रूम नंबर 1 में, ताकि भाई वो मैं अंकल जी को रेंट पर दूं। यार शॉप की रेटिंग माइनस हो रही है, काफ़ी सारे कस्टमर्स वगैरह खड़े हुए हैं जिनको patience. यार मैं भाई अंकल जी पेशेंस लूज कर रहे हैं, अंकल जी पेशेंस लूज मत करो यार। इसको भी यहाँ फेंको, फिलहाल इसको मुझे बिछाना है यहाँ पे, उसके ऊपर ये ब्लैंकेट बिछाना है एक ऐसे करके, और टॉवल जो है हम लोगों को रख के आना है कमरे में यहाँ पर, और टॉयलेट पेपर भी एक यहाँ पर रख देते हैं। यार सारे कस्टमर्स नाराज़ होके जा रहे हैं भाई, थोड़ी बहुत मैं कमरे की झाड़ू वाड़ू मार देता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इतना सारा काम कैसे मैनेज करूँगा भाई। ये उठाओ, उसके बाद एक ये उठाओ, उसके बाद एक ये उठाओ। तो हाँ भाई अभी हमारा रूम 1 जो है यार वो पूरा साफ़ हो चुका है, और अंकल जी, हाँ भाई आंटी जी एक और आ चुकी है, अंकल जी गए तो चलो कोई मसले की बात नहीं, अंकल हाँ आंटी जी आ चुकी हैं। रूम 1 की चाबी मैंने लेनी है, और मुझे चाबी को यहाँ पे रखना है। हेलो भाई आंटी जी, हाँ भाई आप ये वाला रूम ले सकती हैं भाई साहब, काफ़ी अच्छा खासा पैसा आंटी जी हम लोगों को दे रही हैं, टेक पेमेंट। और अब यार मैंने अपना रूम दोबारा रेंट पर दे दिया भाई। फ्यूल के लिए बहुत सारी गाड़ियाँ आई हुई हैं, और उसके बाद शॉप पर बहुत सारे कस्टमर्स आए हुए हैं। पहले मैं जाकर शॉप वाले कस्टमर्स को देखता हूँ, कस्टमर्स बहुत नाराज़ होकर जा रहे हैं। ये लो भाई अंकल जी जाओ, आपका बिल बन चुका है। ये लो भाई शॉप की अपनी रेटिंग मुझे माइनस करने से रोकनी है, और माइनस हो जा रहा है सब कुछ। ये लो भाई अंकल जी आप यहाँ पे अपना पेट्रोल डलवाओ, 21 लीटर। जब तक डलेगा मैं थोड़ा बहुत अपना कमरे वमरे का ज़रा सामान वामान देख के आता हूँ। पैसा अपने पास काफ़ी सारा आ चुका है, हम लोग यार अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं फटाफट सामान मंगवाता हूँ रूम नंबर 2 के लिए। फास्ट फटाफट डिलीवरी ला के दो, पैसा है तो भाई मैंने फुल खतरनाक वाली फास्ट तरीके से डिलीवरी मंगवा ली है। 21.7 तुक्के में आके भाई, वाह तुक्के में आके यार मैंने पेट्रोल डाल दिया एग्जैक्ट। भाई साहब वो हमारे ट्रक आ चुका खतरनाक वाला, और अब यार यहाँ पे शॉप पर भी एक कस्टमर खड़ा हुआ है, तो मुझे उसको भी जाके देखना है। इनको 16 लीटर पेट्रोल आप डलवाते रहो, मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप पे। जी हाँ भाई आंटी जी बताओ, ये ओके आपका इतना ही था, चलो भाग जाओ। रूम 2 की भाई मेरे पास सारी डिलीवरीज वगैरह आई हुई हैं,
अब बस मुझे सामान को यार उतारना है और अपने कमरे में जाके शिफ्ट करना है। भाई मेरे दिमाग में एक काफ़ी ख़तरनाक वाला आइडिया आया है कि यार मैं यार अपने सामान को यहाँ पे अगर फेंकूँगा रैक पे तो भाई ये ऑटोमेटिकली ना एक ऐसा डब्बे में बंद हो जाते हैं, तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, रैक को ही बाहर ले आऊँ। ये सामान ये आया और ये फेंका, ये आया सामान और ये फेंका। भाई टेंशन ही नहीं कि ये सामान कहाँ जा रहा है, वो सामान कहाँ जा रहा है, बार बार आने जाने की, फटाफट से हमारा सारा का सारा काम होता रहेगा। दरवाजा फेंको, ये फेंको, ये फेंको, ये फेंको। अरे 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 भाई, कुछ सामान ऐसा है जो कि यार यहाँ पे नहीं हो सकता, इस पर मैं नहीं रख सकता, तो वो मैं डायरेक्ट यार यहाँ से फेंक दूँ अपने कमरे के आगे। वो कौन जा रहा है? ओए यार, आई थिंक कोई ना कोई कस्टमर आया है, अपने उसको रूम चाहिए, बट रूम अवेलेबल नहीं है भाई मेरे पास, मैं कहाँ से रूम दे दूँ, रूम 2 अवेलेबल ही नहीं है। इसको फेंको, इसको फेंको, इसको फेंको, इसको फेंको, इसको फेंको। डिलीवरी को फिनिश करते हैं, इसको मुझे जाके वापस रखना है अपने ये स्टोरेज रूम के अंदर ताकि मैं इसको कमरे से एक्सेस कर पाऊँ। यार ये बंदे बंदे क्यों आ रहे हैं जब मेरे पास रूम अवेलेबल नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ? जी अंकल जी बोलो। बहुत दो बंदे बैठे हैं, सॉरी भाई, नो रूम अवेलेबल। मैं काम कर रहा हूँ, मोटेल भी बंद कर रहा हूँ, अब बंदे ही नहीं आएंगे। हाँ भाई अंकल जी बोलो, आपका काम है? है नहीं भाई, रूम नहीं है मेरा, भग गया। हाँ सीरियस हूँ मैं, इसको मुझे लगाना है पूरा यहाँ से लेके ये खींच दो यहाँ तक। मुझे पता था भैया ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मैंने एक और मंगवाया है। इसको लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। और हाँ भाई, अभी हमारा रूम का जो फ्लोर है वो रेडी हो चुका है, बाथरूम का फ्लोर मैंने मंगवाया हुआ है, इसको भी मुझे लगाना है यहाँ से ये पूरा एंडिंग तक। भाई बाथरूम तो पूरा काला काला हो चुका है, बट चलो मसले की बात नहीं, मैं यहाँ पे ज़्यादा ला के लाइटें वाइटें लगाता हूँ। तो भाई सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगानी है लाइटें, 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 कहाँ गई? सीलिंग लैंप, हाँ भाई ये रहा। एक लगानी है लाइट यहाँ पे रूम में, एक लाइट लगानी है बाथरूम में, तो इसको लगा देते हैं। अबे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा मुझे, तो इसको लगा देते हैं यहाँ पे। और अब मुझे लाइट ऑन करनी है, भाई जलाओ, पूरा काला काला हो चुका है कमरा यार। तो हाँ भाई, अब जरा रोशनी वोशनी आई यहाँ पे। अब हम लोगों को यार यहाँ पे लगाना है एक अपना खतरनाक वाला डबल बेड, तो इसको रख देते हैं बिल्कुल दीवार के साथ मिला के यहाँ पे। बेडशीट्स यहाँ बाहर पड़ी हैं, तो इसको भी लेके आते हैं। भाई मैंने सामान कहाँ कहाँ फेंका हुआ है यार। एक बेडशीट ये उठा लेते हैं, उसके बाद एक और बेडशीट कहाँ है? भाई बेडशीट बिछाओ, बेडशीट बिछाओ, ब्लैंकेट रखो। ब्लैंकेट मेरे पास एक ही था क्या? मैं देख लेता हूँ भाई। नहीं, ब्लैंकेट भी मैंने 2 मंगवाए थे, तो इस ब्लैंकेट को मुझे रखना है यहाँ पे। और अभी हम लोगों को चाहिए पिल्लोस, तो पिल्लोस तो यहाँ पे मैंने फेंके हुए थे भाई। एक तो ये रहा, एक तो यार मैंने सामान आधा फेंका हुआ है आधा नहीं फेंका हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज़ कहाँ पे। पिल्लो एक और आ गया, तो इसको भी रखना है बिल्कुल मुझे एक यहाँ पे। अपना बेड पूरा रेडी हो चुका है। इसके बाद यार अब आता है अपना डोर, तो मेन डोर मुझे लगाना है यहाँ पे। बाथरूम के लिए डोर लगाना है यहाँ पे। सीलिंग लैंप हो गया। बाथटब तो भाई मुझे लगाना है बाथरूम में। बाथरूम खोलो चल के यार, पहले हम बाथटब का वगैरह सबका काम कर लेते हैं। तो बाथटब एक लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद अपना सिंक, सिंक तो आई थिंक बाहर पड़ा हुआ है। टॉयलेट भी, हाँ टॉयलेट अपना ये रहा, टॉयलेट लगाते हैं यहाँ पे। हीटर हमारा आ चुका है, तो हीटर को मुझे लगाना है यहाँ पे। उसके बाद यार मुझे जाके पहले पेंट लेके आना है यार। एक तो मैं अपनी ये ट्रॉली लेके चलता हूँ, मुझे जाके पेंट लेके आना है, बिकॉज यार पेंट को यार मैं यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाता। तो पेंट मैंने कौन सा मंगवाया? एक तो ये मंगवाया, ये मंगवाया, ये मंगवाया और ये मंगवाया है। तो हाँ भाई आई थिंक यही सब पेंट है। पेंटिंग का अपना काम शुरू करते हैं, ये यहाँ से लेके पूरे वो एंड तक पेंट करना है। अभी अपना रूम पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे आके बाथरूम में पेंट करना है यहाँ पर। हाँ भाई बाथरूम को भी मैंने पेंट पूरा कर दिया है, और अब भाई मुझे सामान उठाना है सारा का सारा। और क्या सामान है भाई? मुझे याद है मैं एक क्लॉक भी लेके आया था भाई, क्लॉक ये रही। तो सबसे पहले यार यहाँ पे लगाएंगे पेंटिंग, तो पेंटिंग तो एक बनती है यहाँ पे। उसके बाद एक और पेंटिंग गिटार की, तो ये यहाँ पे। स्कल हम लोग लगाएंगे सीधा बेड के ऊपर, और ये हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ भाई यार कर्टन मैंने 2 मंगवाए थे, मुझे याद है एक और कहाँ गया। हाँ भाई एक और ये रहा, इसको लगा देते हैं ये यहाँ पे। भाई साहब फुल मस्त भाई लुक आ रही है अपने इस कमरे की। सीट, सीट हम लोगों को लगानी है, ये थोड़ा ऐसे टिल्ट करके लगा देते हैं यहाँ पे। टेबल, टेबल इसके आगे लगानी है, तो यहाँ पे। डेस्क नहीं, क्लोजेट, क्लोजेट भाई मैंने वो पहला वाला मंगवाया सबसे सस्ता वाला, तो इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। अरे यहाँ पे थोड़ा बहुत पेंट रह गया भाई, बस हो गया। चलो भाई पखा मैंने मंगवाया था, हाँ भाई पखा एक मंगवाया था, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे सीधा बेड के ऊपर। कारपेट भी मैंने एक मंगवाया था भाई, फुल खर्चा करे इस रूम पे। कारपेट को लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद बाकी तो सामान पूरा बाहर पड़ा है। प्लांट हम लोग रख देते हैं बिल्कुल दरवाजे के साथ यहाँ पे। इसके बाद टॉयलेट पेपर का होल्डर एक लगा देते हैं यहाँ पे, और टॉवल का जो रैक है वो लगा देता हूँ यहाँ पे। टॉयलेट पेपर यहाँ लगा दिया, टॉवल यहाँ लगा दिया, और भाई अभी हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो चुका है। और ये शैम्पू का डब्बा भाई, इसको खोलते हैं, एक शैम्पू निकालते हैं। इसको उठाओ, इसको उठाओ, और अब भाई ये सारा सामान मुझे जाके रख के आना है बाथरूम में। ये इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो, इसको यहाँ पे रखो। हाँ भाई
अभी भाई हमारा रूम जो है यार वो पूरा रेडी हो चुका है, रूम टू। और यार ये भाई रूम मैंने काफ़ी ढंग से डेकोरेट करा है, तो मतलब मुझे लग रहा है कि इसके मुझे काफ़ी अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। सारी बोतलें वगैरह मैं उठाता हूँ। अबे एक चीज़ मैं लगाना भूल ही गया, ड्रॉर। रुको रुको भाई, गेट खोलो गेट खोलो। ये ड्रॉर मुझे लगानी है यहाँ पे। तो हाँ भाई, शॉप भी अपनी रेडी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू मुझे शॉप से भी आ रहा है, और अपना रूम भी रेडी हो चुके हैं। और भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, मतलब रूम वन के मुकाबले में भाई ये बहुत खतरनाक बनाया है मैंने। तो हाँ भाई, इसका हम लोगों को अच्छा खासा मुनाफा होने वाला है। और अभी यार सारा सामान मुझे लेके जाना है यार अपने स्टोरेज वाले रूम में। तो गाइस बस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में कि यार अपना जो ये खतरनाक वाला रूम टू है भाई ये कितने का बिक रहा है, और इससे हम लोगों को कितना मुनाफा हो रहा है, कितना बोनस मिल रहा है। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो बाय द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फटाफट जाओ क्लिक करो, फॉलो करो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।